बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम अम्लक्षारक एवं लवण पाठ पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम निम्नलिखित चीजें सीखेंगे। अम्लक्षारक एवं लवण पाठ पढ़ेंगे और पाठ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा आम स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जाँच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी, टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जाँच के लिए आप संश्लेषित सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोफ्थलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। इन्हें गंधीय ओल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। आपके प्रेक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय ओल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया का इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अम्ल प्लस धातु इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने जिस अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएँ सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चौक एवं संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार देख सकते हैं। क्षारक प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस जल। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि ये क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है?
हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl- HNO3 में NO- CH3COOH में CH3COO- H2SO4 में SO4 2- होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। HCl+ H2O गैस H3O+ Cl-। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। H+ H2O गैस H3O+। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किस क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखें कि अम्लीय क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। जल में अम्लीय क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन डिब्बे तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह चित्र 2.5 में प्रदर्शित पर ध्यान दीजिए। जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्लीय क्षारक तनुग्रस्त होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है पुसांस पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका pH उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो ये अम्लीय विलयन होगा, एवं यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। चित्र 2.6। सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि
कम एच प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप अभी बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। आपके बागीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जाँच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दत्तवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सीटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। लवण परिवार। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि ये एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। ये खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन फ्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं।
क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। व्यंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH twice पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। व्यंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल की को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप ये संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया फूल उभर जा सकता है तथा इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्नि शामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये भी एक क्षारकीय लवण है। 10H2O क्या दर्शाता है? क्या ये Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने के सोडे के उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3.10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। अब हम इस लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्थहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? फॉर्मूला का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है जवाब। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यही समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।